भोपाल लोकायुक्त तो दल ने भोपाल में 40,000 रुपए की घूस लेते कार्यालय कार्यपालन यंत्री विभाग के स्थापना शाखा के अधिकारी को लेते धर दबोचा। भोपाल लोकायुक्त तो विभाग के निरीक्षक मनोज पटवा ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक सिद्धार्थ सक्सेना ने भोपाल लोकायुक्त तो कार्यालय में शिकायत कर बताया कि उनकी माता नीना सक्सेना जो कार्यालय कार्यपालन यंत्री विद्युत यांत्रिकी कोलार रोड भोपाल में ट्रेसर के पद पर पदस्थ थी, जिनका देहांत कुछ माह पूर्व हुआ था। सर्विस रिकॉर्ड में आवेदक का नाम नॉमिनी पर होने से आवेदक सिद्धार्थ माता की जीपीएफ वानी राशि के भुगतान निकालने के लिए विभाग के चक्कर लगातार काटता रहा, किंतु घूसखोर स्थापना शाखा के अधिकारी के लालच घूस लेने में थी, इसलिए आवेदक से रिश्वत पेट 1,000 रुपए मांगे गए थे। उक्त शिकायत का सत्यापन होने पर लोकायुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए घूस की राशि लेते अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा, जिसकी कार्रवाई एमपी नगर के मिलन रेस्टोरेंट में करते कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त दल के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा में कार्रवाई की जा रही है। ग्लोबल इंडिया के लिए महेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। 18 जून 2022 को मेरी माता जी शांत हो गई, उसके बाद मैंने अप्लाई किया जीपीएफ और सारे उसके लिए, तो तकरीबन 3 महीने हो गए ये लोग परेशान कर रहे हैं मुझे कि आ जाइए कल आइए, और 3 महीने से काम नहीं कर रहे और मैं रेगुलर चक्कर लगवा रहे हैं ऑफिस के। उसके बाद एक हफ्ते पहले इन्हें बोला कि आप पैसों का इंतज़ाम करिएगा, पैसे लगेंगे, और 4-5 दिन पहले ही पता चला कि 40,000 रुपये इनको चाहिए थे जी के बिल। आज देने आए थे आप? हाँ, तो आज इनको ट्रैप कर 20 सितंबर को फरियादी ये संचालन मूल जो है ना ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं, इन्होंने एसपी साहब लोकायुक्त को शिकायत की थी कि इनकी माँ श्रीमती नेहा संचना मात्र प्रेसर के पद पर पदस्थ थी ईएनडीएम ऑफिस कोला देरा पर, जिनका स्वर्गवास जून माह में हो गया था, और इनकी माँ ने इन्हीं को नॉमिनी बनाया हुआ है अपने सर्विस रिकॉर्ड में। तो इनकी शिकायत थी कि ग्रेजुएट में बेनिफिट जी पी एफ का जो भी बेनिफिट मिलना था सिद्धार्थ सक्सेना जी को, उसको क्लियर करने के एवज में स्थापना प्रभारी जी के पिल्ली जी के द्वारा 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। इस शिकायत का हमारे द्वारा सत्यापन किया गया आज 22 तारीख।